हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 16 अक्टूबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, मैथ, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। यहां पे पहला क्वेश्चन है, संजू फिल्म का अभिनेता कौन है? तो रणबीर कपूर राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा। सीईओ ऑफ एचडीएफसी आदित्य पुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवीश कुमार किस चैनल के रिपोर्टर है? एनडीटीवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? आपका अमेरिका से लिए गए हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आनंदम योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये आपका क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ये भी आपका देखिए रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आज के नए पूछे गए हैं तो रिपीट होने के चांसेस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीईओ ऑफ रिपब्लिक टीवी, तो ये भी आपका पूछा गया था, विकास कंचन दानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदूक से गोली चलने पर आदमी पीछे की ओर जाता है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक था आपका 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? ये क्वेश्चन आपका लगातार तीसरे दिन तो मैं देख रहा हूँ अलग अलग शिफ्ट में मतलब पूछा जा रहा है, कि कृष्णा सोबती जी को दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पेयर होती है, सभी को पता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पहला स्वतंत्र संग्राम कब शुरू हुआ था? 1857 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए फिजिक्स से के जो न्यूमेरिकल आ रहे हो, 5 से 8 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर देख के जाइएगा। और आपका बहुत सारे नेशनल पार्क्स पार्क भी पूछे जा रहे हैं। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चंस बहुत कम मिल पाते हैं, अब मैं इनमें ही कुछ प्लस माइनस करके लिया हूँ, इनको बढ़ा के जरूर लेके आ सकता हूँ, बट जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे 100% पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन पर बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल देख के जाइएगा, अब आज तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, एक था आपका, न्यूट्रल फिल्म के डायरेक्टर कौन है? अमित वी मासूरकर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था, फोर्स अपॉन एरिया, राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका था फॉर्मूला ऑफ एल्कलीन, तो यहाँ पे CnH2n, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन था आपका, कुछ बूंदे जाम है, कुछ बूंदे बोतल हैं, तो यहाँ पे इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनेगा? देखिए कुछ बूंदे, आपने सबसे पहले बूंद का बनाया, कुछ बूंदे जाम है, तो इस तरीके से कुछ बूंदे जाम हो जाएगी। फिर कुछ बूंदे बोतल है, तो बूंदे आपकी कुछ बोतल हो जाएगी, तो इस तरीके से आपने बूंदे और बोतल और जाम का ये वेन डायग्राम बना लिया। अब इसके यहाँ पे कथन है, ये निष्कर्ष पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। कुछ जाम बोतल है, तो देखिए जाम और बोतल के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका, कुछ बोतल बूंदे हैं, तो बूंदे और बोतल के बीच में रिलेशन है, तो बिल्कुल सही है, कुछ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपका देखिए इस तरीके से था, और ये भिन्न का था, इसमें से ओड वन आउट आपको निकालना था, तो यहाँ पे सिंपल आपको तीन, ये मतलब चार ऑप्शन थे, चारों में जो तीन ऑप्शन थे उनमें तो यहाँ पे स्पेस दे रखा था सभी में, ठीक है, इस तरीके से, और एक आपका पूरा बॉक्स इस तरीके से दे रखा था, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक एनालॉगी से आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, 8 16 लिखा था, 27 नेक्स्ट आपका पूछा गया था, तो 8 का डबल कर दिया गया, यानी कि 8 2 16, तो 27 2 कितना हो जाएगा आपका? 54, ये 54 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए एक क्वेश्चन, अर्थ को अगर QPMZS लिखा जाता है तो हर्ट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ERTH अर्थ का जो भी कोड यूज किया गया है उसमें आपका हर्ट में जो भी मतलब वर्ड यूज किया गया है
उसमें आपको देखना है कि क्या कोड यूज किया गया। जैसे एच का यहाँ पे क्या कोड यूज किया जा रहा है, एच का आपका लास्ट वाला देखिए एस, तो एच के नीचे एस लिख दीजिए। फिर ई का देखिए यहाँ पे ई है, एच ई का पूछा है ना, फिर ई में देखिए कौन सा कोड है, क्यू है, तो क्यू लिख दीजिए। ए के लिए क्या कोड यूज किया गया, पी, तो पी लिख दीजिए। आर के लिए क्या कोड यूज किया गया, एम, तो एम लिख दीजिए। और टी के लिए आपका कोड क्या यूज किया गया, जेड, तो जेड लिख दीजिए। तो आपका एस क्यू पी एम जेड राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, देखिए आज कोडिंग डिकोडिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक था मद्रास को अगर एन बी ई एस बी टी लिखा जाता है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। तो मद्रास को आपको एन बी ई एस टी कैसे लिखेंगे, भाई सभी में प्लस वन कर देंगे, ठीक है। एम में आपने प्लस वन किया तो एन बन गया, ठीक है। ए में प्लस वन तो बी, डी में प्लस वन तो आपका ई, आर में प्लस वन तो आपका एस, ए में प्लस बी, एस में प्लस टी। तो यानी कि आपने मद्रास को एन बी ई एस एस बी टी कैसे लिखा, सभी में प्लस वन करके। उसी तरीके से आप बॉम्बे में भी सभी में प्लस वन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बी में प्लस वन तो सी, ओ में प्लस वन तो पी, एम में प्लस वन तो एन, और बी में प्लस वन तो सी, और ए में प्लस वन तो बी, वाई में प्लस वन तो टू। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, सॉरी मतलब जेड, ठीक है, बी और ये लास्ट वाला जेड हो जाएगा। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि कुछ जूते सफ़ेद हैं और सभी सफ़ेद नीले हैं। तो यहाँ पे आपने एक सबसे पहले एक जूते का वेन डायग्राम बनाया, फिर कुछ जूते आपने सफ़ेद कर दिए और फिर सभी के सभी सफ़ेद आपके नीले हो गए। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बन गया, कुछ जूते आपके सफ़ेद हैं और सभी के सभी सफ़ेद आपके नीले हैं। यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी जूते नीले हैं तो सभी जूते नीले आपके नहीं हो सकते हैं। सभी जूते नीले कब होंगे, जब जूते वाले वेन डायग्राम के ऊपर को आपका नीले वाला वेन डायग्राम आएगा तो तभी तब होंगे आपके सभी जूते नीले। नेक्स्ट आपका कुछ जूते नीले हैं, तो कुछ जूते जो हैं आपके जूते और नीले, ये कुछ वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, कुछ जूते नीले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, तो कुछ जूते नीले तो राइट हो जाएंगे, बट सभी जूते नीले होंगे ये वाला राइट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15। इसमें क्या चल रहा है, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। तो ये इस वाली कंडीशन में प्लस माइनस चलेगा, ऑब्वियसली बात है कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। और ये प्लस माइनस ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, ठीक है भाई। 9 से 12 होना छोटी अमाउंट है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस ही चल रहा होगा। जब कोई बड़ी अमाउंट होती है इसका मतलब या तो इसका स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई चल रहा होगा, ठीक है। तो 9 से 12 हुआ प्लस 3 कर दिया, 12 से प्लस 1 सॉरी माइनस 1 करके 11 हो गया, 11 में प्लस 3 तो 14, 14 में से माइनस 1 तो आपका 13, 13 में प्लस 3 तो आपका 16। तो यही आपसे पूछा गया था बीच में कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 13 हो जाएगा राइट आंसर, 13 में से माइनस 1 तो 15, तो आपका 16 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका, एक पुरुष की का परिचित कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बोलता हूँ। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष है मान लीजिए, पुरुष है और एक महिला है, महिला बोल रही है इसकी तरफ को इशारा करते हुए, इसका परिचय कराते हुए कि इसकी पत्नी, जो इसकी पत्नी है, पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब ये बताइए, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो इसी की तो वाइफ हो गई ना, ठीक है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। ध्यान से सोच करके देखिएगा, खुद को मान के देख लीजिए जैसे भी करके, मतलब कि अगर देखें आप थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो यहाँ पे पत्नी ही आ रहा है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरी माँ की, अब जब देखिए यहाँ पे बोला इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री का मतलब क्या हो गया कि वो खुद हो गई ना, ठीक है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, पत्नी का संबंध हो जाएगा, तो राइट आंसर पत्नी हो जाएगा। यहाँ पे एक वेन डायग्राम आपको बनाना था तलवारें बंदूकें और तीर के बीच में। तो यहाँ पे तलवारें बंदूकें तीर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, भाई देखिए कुछ तलवार बंदूकें नहीं हो सकते, कुछ बंदूकें तीर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी के सभी जो तीनों के तीनों आपके हथियार हैं, तीनों के तीनों अलग है, तलवारें बंदूकें और तीरें। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, मैथ के कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए किसी टंकी को 7 घंटे में भर देता है, बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है, सी उसी टंकी को 14 घंटे में खाली कर देता है। अगर तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए 7 घंटे में भर रहा है, ठीक है, बी 10 घंटे में भर रहा है, सी 14 घंटे में खाली कर रहा है। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, इन सभी का एलसीएम आ गया 70, यानी कि 70 यूनिट कैपेसिटी है उस टैंक की,
टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 70 यूनिट है, ठीक है, 70 यूनिट पानी उस टंकी में आ जाएगा। अब 70 को अगर मैं 7 से भाग करूँ तो एक घंटे में 10 यूनिट पानी भरता है, 70 को 10 से भाग करूँ तो बी एक घंटे में 7 यूनिट पानी भरता है, और 70 को मैं 14 से भाग करूँ तो सी एक घंटे में 5 यूनिट पानी निकाल देता है। ओवरऑल एक घंटे में कितना पानी भरा जाता है, 10 + 7 और माइनस कर देंगे 5 तो कितना आएगा 22, यानी कि 22 यूनिट पानी हर एक घंटे में, सॉरी ये गलती से भाई देखें यहाँ पे 22 हो गया, ठीक है, प्लस हो गया मतलब गलती से, तो यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 और 7 17 और माइनस 5 करेंगे तो 12, यानी कि हर एक घंटे में 12 यूनिट पानी भरा जाता है, तो इसको भी आप हटा दीजिए यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, 70 को 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 तो कंप्लीट चला जाएगा, बचेगा कितना 10/12, ठीक है, तो 5 से ही 10/12, इसको भी हम कट कर लेंगे 2 से, तो 5 और 6, यानी कि 5 सही 5/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने घंटे में ये टैंक भर जाएगा। ठीक है भाई, ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको इग्नोर करिएगा, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा कि ये गलत हो रखा था, ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बट मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया सही से। यहाँ पे देखिए माइनस मैंने लिखा था, ये गलती हो जाती है कई बार, तो आपको नहीं करनी है, ये चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम इनको जल्दी जल्दी प्लस कर देते हैं, जैसे मैंने भी कर दिया, तो ऐसे गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है कि माइनस का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब ये खाली करने वाला पाइप है, तीनों को साथ में खोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये खाली करने वाला है और ये दो भरने वाले हैं, तो एक घंटे में 12 यूनिट पानी भरा जाएगा, 70 यूनिट पानी भरने को कितना समय लगेगा ये आपको निकालना था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर 7% का लॉस होता है, 35 रुपये में बेचने पर कितना प्रॉफिट और लॉस होगा ये बताना है आपको, कितने प्रॉफिट और परसेंटेज में लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सीपी की, ठीक है, तो सीपी हमें नहीं पता, बट हमें सेलिंग प्राइस पता है 31 रुपये है, 31 रुपये में बेचने पर 7% का लॉस होता है, इसका मतलब जो 31 रुपये है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 7% माइनस कर दीजिए 100% में तो कितना बचेगा 93%, तो 31 रुपये जो है ये 93% की वैल्यू है, सीपी हमारी 100% होती है, तो इस 31 रुपये को हम 100% में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 93% की वैल्यू है ना 31 रुपये, तो 31 को 93 से भाग करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.34 आ जाएगा, यानी कि 3.3333 आता रहेगा आपका, तो हम क्या कर लेंगे 33.34 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सीपी है, जब आप इस प्राइस की चीज़ को, ठीक है, इस प्राइस की वस्तु को 31 रुपये में बेचते हैं तो 7% का लॉस होता है। अब यहाँ पे पूछा अगर इसको 35 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो अब 33.34 पैसे की, मतलब इतने रुपए की चीज़ को आप बेचेंगे 35 रुपये में तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1.66 का, इतने का आपको फ़ायदा हो रहा है, इसे बस परसेंटेज में बदलना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1.66 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो 1.66 अपॉन में कॉस्ट प्राइस आती है, तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4.97%, इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, अगर काम 9 दिन में करना हो तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। देखिए MDH का फॉर्मूला आपने सुना होगा, यानी कि मैन डे, और यहाँ पे आपका वो भी दे दिया जाता है MDH, यानी कि आर भी दे दिए जाते हैं, घंटे भी दे दिए जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम MD1 यानी कि M1 और D1, M2 और D2 रखेंगे। M1 और D1 क्या है आपका, M1 और D1 है आपका, देखिए मैन यानी कि कितने आदमी लगे हुए हैं और कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में ये तो हो गया आपका मैन 1 और D1, ठीक है, यानी कि इतना टोटल वर्क है। अब कराना किससे है, ये 9 दिन में हमें कराना है, कितने आदमी लगाएंगे इसको हम ऐसा एज इट इज रखेंगे M2E, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ये टोटल यूनिट आ जाएगा आपकी वर्क की। ठीक है भाई, 45 आदमी 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो टोटल कार्य कितना होगा, टोटल कार्य ये होगा, और ये किस पे कराना है हमें, 9 दिन में कितने आदमी लगाएं ये हमें निकालना है, तो हम इसको तो बाहर लिख लेंगे M2 को, तो ये टोटल वर्क है कि 9 दिन में कराना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, तो 45 × 12 अपॉन में 9 करेंगे, 9 से 45 जाएगा 5 टाइम, 5 की 12 में करेंगे तो 60, यानी कि M2 का मतलब है कि जो दूसरे वाले हमें आदमी लगाने पड़ेंगे वो कितने लगाने पड़ेंगे, 60 आदमी लगाएंगे तो ये कार्य 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 81 दिन में कर लेता है और ए और बी 54 दिन में करते हैं दोनों मिलकर के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है बी ने 9 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए
इन दोनों का एलसीएम लिया 162 टोटल कार्य है, जिसको ए 81 डेज में कर लेते हैं और ए और बी दोनों मिलकर 54 डेज में कर लेते हैं। तो ए एक दिन में कितना करता होगा, 162 को 81 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट वर्क करता होगा, फिर 162 को 54 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं पर डे यूनिट वर्क, यानी कि ए और बी का अलग अलग, ठीक है। तो ए तो करता है एक दिन में 2, ए और बी दोनों करते हैं 3, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचा 1, यानी कि ए करता है एक दिन में 2 यूनिट वर्क, बी करता है एक दिन में 1 यूनिट वर्क। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी ने 9 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब बी 9 दिन पहले काम छोड़ेगा तो उन लास्ट दिनों में कौन कार्य करेगा भाई, जब काम कंप्लीट होने से 9 दिन पहले बी काम को छोड़ देगा तो उन लास्ट के 9 दिनों में किसने कार्य किया होगा, उन लास्ट के 9 दिनों में ए ने कार्य किया होगा। ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है तो 9 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट वर्क। तो इस टोटल में से 18 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 144। अब इस 144 को कौन करेगा, इस 144 यूनिट को दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि 9 दिन बाद 9 दिन पहले छोड़ के जाता है ना, और वो उन 9 दिन में ए कार्य करता है, वो मैंने माइनस कर दिया, तो बचे हुए कार्य को तो दोनों ने मिलकर किया होगा, तो दोनों मिलकर करेंगे कितना एक दिन में, 3 यूनिट वर्क। तो 144 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 48, यानी कि 48 तो ये इस रिमेनिंग वर्क को करेंगे। और यहाँ पे पूछा कि पूरा कितने दिन लगेंगे, टोटल कितना समय लगेगा, तो 48 दिन प्लस आपका 9 कितने हो गए, 57 दिन, ये 57 डेज लगेंगे पूरा कार्य को कंप्लीट होने में। ऐसा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आपको स्पीड दे रखी थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा था 24 मिनट, डिस्टेंस आपको बतानी थी। तो देखिए ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, उसको ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस आपको निकालनी है तो टाइम इनटू स्पीड करना है आपको, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। टाइम आपको दे रखा है मिनट में, तो बस यहाँ पे मिनट को घंटे में बदल के मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 64 आपका कितना है स्पीड है, और मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 24/60, तो ये 12 से जाएगा 2 बार, और 12 × 5 = 60, तो कितना हो जाएगा 2/5। इसको क्या करेंगे, 64 की 2 में करेंगे 128, 5 से भाग करेंगे तो 25.6 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर में दे रखी होगी तो इसको मीटर में भी बदल सकते हैं हम, जैसे भी मर्जी होगी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वही जो डेली मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, वेन डायग्राम्स, सिलोगिज्म सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, से आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको देख के जाइएगा। एनालॉगी हो गया, ठीक है, कोडिंग एनालॉगी हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है। आज क्लॉक से क्वेश्चन देखने को कम मिले हैं, और किसी किसी शिफ्ट में तो था ही नहीं, और किसी शिफ्ट में शायद हो तो मुझे पता नहीं। और मिरर और वाटर इमेज से भी क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, और डायरेक्शन से भी क्वेश्चन थे। तो ये आपका पॉइंट हो गए सारे जो कि आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैथ में अगर बात कीजिए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर रूट, एचसीएफ, एलसीएम, एसआईसीआई, मेंशुरेशन, ठीक है, और सीआई में आपको बता ही दिया, और एज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। और इसमें अगर मैं बात करूँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री का भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं और कौन सा चैप्टर बच गया, और तो मेरे हिसाब से यही कुछ जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो मेरे हिसाब से मैथ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन हाँ आपका, देखिए सीआई बोल रहा हूँ मैं, डीआई, ठीक है, ये यहाँ पे जो सीआई लिखा है ना, डीआई है, ठीक है। डीआई से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, बार ग्राफ के भी मिल रहे हैं आपके, और मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार डीआई का बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, तो देख के जाइएगा एक बार, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बस आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी। अगर आपके पास टेलीग्राम है ही नहीं तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप होता है एक, गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड करिएगा, फिर उस पर अपना नाम वाम भर के उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ्स मिलती रहती है, न्यूज़पेपर मिलता रहता है, और भी बहुत सारी पीडीएफ होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर कर देते हैं वहाँ पर, तो ताकि आप तक ईजिली चीज़ें पहुँचती रहे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।